फिर वो चाहे व्यक्ति का शरीर ही क्यों ना हो। हम बात कर रहे हैं जम्मू निवासी कैलाश बनराल जी की। कैलाश बनराल जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ जेके न्यूज नेटवर्क पे, मैं बेटी हूँ मैं। धन्यवाद भैया, मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया करती हूँ कि आप आए, आपने मेरा इंटरव्यू लेने आए। मैं अपने प्रिंसिपल मैम जी का भी थैंक यू करती हूँ, अनीता जोशी नाम है उनका। मैं अपनी डांस टीचर जी का भी धन्यवाद करती हूँ, उनका नाम पूनम गुप्ता है। मैं अपने बाकी स्टाफ टीचर्स का भी थैंक यू करती हूँ, अपने पेरेंट्स का थैंक यू करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं आगे जाऊँ। मैं एक चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स हूँ और मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। कैलाश जी, आपके इतनी हाइट भी छोटी है जैसे कि हमें भी पता लग रहा है, लेकिन आपने इसके बावजूद भी अपनी डांस और कला में बहुत आगे बढ़े हैं, काफी सारे अवार्ड्स आपने जीते हैं। कैलाश जी, इसमें आपकी रुचि कैसे आई? बचपन से मतलब मुझे डांस का शौक रहा है, मतलब छोटे होते से मैं डांस करती थी, पर कभी इतना नहीं हुआ कि मैं आगे जाके करूँ या किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल, जोनल लेवल, इस पे मतलब आगे जाके पार्टिसिपेट करूँ। कभी कहीं गाना बजता था तो मैं नाचना शुरू हो जाती थी। फिर कला उत्सव जी का वो शीट निकली, वो आया, प्रोग्राम आया, तो मतलब सारे बच्चे बोलते कि तू भी पार्टिसिपेट कर इसमें, अगर तेरे को है मतलब इंटरेस्ट तो जा। फिर मैंने इसमें ही प्रिंसिपल मैम से बात की कि मैम मैं इसमें करूँ, तो प्रिंसिपल मैम ने सबसे पहले ये चीज़ बोली कि तुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अगर तेरे में कॉन्फिडेंस है, अगर तू कर सकती है फिर तू कर ले। तो उन्होंने फिर मेरे को उसमें प्रैक्टिस करवाई, टीचर्स का पूरी मीटिंग बिठाई कि हम कलश को आगे भेज सकते हैं, अगर इसको ये जाएगी तो क्या पता ये कुछ लेके आए, क्या पता आगे नेशनल भी मतलब हम मतलब जेएनके को आगे वो प्रेजेंट करे। तो सारी टीचर्स बैठी, मतलब स्टाफ बैठा, तो मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा हाँ मैम इसको भेजो आगे, क्या पता ये कुछ ना कुछ कर ले। फिर सब बैठे, फिर मीटिंग हुई, फिर मेरे को बुलाया गया कि हाँ आप जाना। फिर इसी के साथ साथ फिर डांस प्रैक्टिस शुरू होगी, फिर सब टीचर्स मतलब देखने आते थे कि हाँ प्रैक्टिस कैसे चल रही है वो। पर इसमें सबसे ज़्यादा मतलब प्रिंसिपल मैम का बहुत हाथ रहा है कि उन्होंने मतलब आगे भेजा मुझे कि हाँ तू कर इसमें। चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, कभी इस चीज़ के लेके कभी घृणा हुई आपको कि नहीं मैं आगे नहीं बढ़ पाई, या मेरे साथ के आगे बच्चे काफ़ी आगे निकल गए, कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है कि घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया हो, या घर वाले बोलते हो कि नहीं नहीं आप घर पे रहो, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ हो? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, घृणा मुझे कभी नहीं हुई। सगो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है कि मैं ऐसी हूँ, क्या जो चीज़ बाकी लोग नहीं कर सकते वो मैं कर सकती हूँ, तो मेरे को कभी इस चीज़ के लिए घृणा नहीं हुई। बाकी रही फैमिली की बात, तो फैमिली की तरफ से कभी नहीं रहा, फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया कि हाँ तू आगे कर, तेरे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है तू वो चीज़ कर, चाहे वो मेहंदी आर्ट हो, रंगोली आर्ट हो, जिसमें भी मेरे को इंटरेस्ट है मैंने हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट किया, चाहे स्कूल हो जहाँ पे भी हो, तो मुझे कभी इस चीज़ से वो प्रॉब्लम नहीं रही है। बाकी फ्रेंड्स से भी पूरा सपोर्ट रहा है कि हाँ तू जिस तरह से जा, बाकी रहा लोगों का तो लोग मुझे किस तरह से देखते हैं वो फिर उनकी थिंकिंग है, अगर लोग चेंज होंगे तो क्या पता ये दुनिया भी चेंज हो सकती है। जो लोग पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं हमको कि हाँ देखो ये वैसा है, तो वैसे ही पता चलता है कि हम वैसे हैं। अगर आप वैसा बोलोगे नहीं कि हाँ नॉर्मल बिहेव करोगे कि हाँ हम भी एक इंसान है, नॉर्मली देखोगे हमें तो आपको भी नॉर्मली लगेगा, अगर आप हमें वैसी नज़र से देखोगे तो हम आपको वैसे ही लगेंगे। तो यही है कि जिस तरह से मतलब चल रहा है, अगर आप सपोर्ट करोगे हमें तो फिर हमको और थोड़ा हौसला मिलेगा कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। जब आप सपोर्ट ही नहीं करोगे तो हमारे जैसे क्या पता, अब मेरा तो नहीं है कि हाँ मेरे को तो है कि मुझे कुछ करना है, क्या पता जिनको होगा कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, वो ऐसे नज़रिए से क्या पता वो बाहर ना नहीं आते हों खुद। तो हमें है कि हमें अपनी थिंकिंग सबसे पहले वो चेंज करनी है, अपना थोड़ा हाव भाव चेंज करना है, बाकी खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। कैलाश जी, हमें उम्मीद है कि आपके संघर्ष की कहानी हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को प्रेरणा देगी, आप कुछ अपनी संघर्ष की कहानी हमारे व्यूअर्स के साथ साझा कीजिए। जी भैया, सबसे पहला हमारा जब कला उत्सव शुरू हुआ तो सबसे पहला लेवल था हमारा जोनल लेवल, जिसमें मैंने फर्स्ट प्राइज लिया है। उसके बाद मेरा आया डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसमें भी मैंने फर्स्ट प्राइज लिया है। फिर आया डिविजनल लेवल, उसमें भी मैंने फर्स्ट प्राइज लिया है। फिर आया स्टेट लेवल, उसमें भी मैंने फर्स्ट प्राइज लिया है। फिर हैंडीकैप डे था, उसमें हमारे गवर्नर साहब श्री सत्यपाल मलिक जी आए थे, उन्होंने मुझे 10,000 रुपये से भी नवाजा था, तो उन्होंने मुझे स्टैंडिंग ओवेशन भी दी थी जब मेरा डांस खत्म हुआ था। दोस्तों, स्पेशल नीड्स के बावजूद भी जो लड़की मतलब स्टैंडिंग ओवेशन तक ले रही है डांस कॉम्पिटिशन्स में, गवर्नर साहब हमारे उनको खुद 10,000 रुपये अपनी तरफ से इनाम दे रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि वो कितनी आगे बढ़ चुकी हैं,
उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं इस तरह से हूँ कि मेरे साथ घर वाले या लोग हैंडीकैप लगाते हैं या विकलांग यूज करते हैं। लेकिन लोगों के नजरियों को चेंज करना पड़ेगा। कैलाश बंडराल जैसे बच्चे जो आज की डेट में एग्जाम्पल बने हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, डांस कॉम्पिटिशन्स जीत रहे हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में आ गए हैं, पढ़ाई में आ गए हैं, तो दोस्तों क्यों ना हम लोग भी इस नज़रिए को चेंज करें। आइए कैलाश जी से फिर से बात करते हैं कि कैलाश जी कोई ऐसा आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं कि ताकि उन बच्चों तक भी ये मैसेज पहुँच सके जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स हैं। हाँ जी भैया, मैं ज़रूर देना चाहूँगी। मैं उनको यही बात कहूँगी कि आप सिर्फ हैंडीकैप नहीं हो। आप ये मत सोचो कि हम हैंडीकैप हैं तो सिर्फ हम अंदर बैठ सकें या व्हील चेयर पर या बेड पे लेटे रहें, हमारे घर वाले मतलब हमें बोझ समझे कि हाँ मतलब हमें सब कुछ करके दें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, आप उसमें हर चीज़ में मतलब पार्टिसिपेट करो। अगर आपको क्राफ्ट में है, किसी भी चीज़ में है, तो खुल के आगे आओ। कुछ बच्चे होते हैं जिनको इंटरेस्ट होता है पर वो किसी मतलब लोगों के डर से, लोग हमें क्या सोचेंगे, कैसे देखेंगे, उसकी वजह से भी मतलब कुछ बच्चे बाहर नहीं आ पाते। सबसे पहले ये कि लोगों को अपनी थिंकिंग चेंज करना पड़ेगी कि ऐसे बच्चे भी बाहर आ सकें। उनको सपोर्ट करना पड़ेगा कि हाँ ऐसे बच्चे भी कुछ कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि हैंडीकैप है तो मतलब उनको हैंडीकैप में ही रखा जाए। नहीं, ये टैग हमें हटाना है कि हम हैंडीकैप नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। मतलब बाकी बच्चों से भी ज़्यादा कुछ, नॉर्मल बच्चों से भी हम ज़्यादा ऊपर हैं। तो इसलिए यही है कि पहले अपनी थिंकिंग चेंज करो ताकि हम भी कुछ आगे कर सकें। ऑन द बिहाफ ऑफ संपर्क इकोनॉमिकल डेवलपमेंट सोसाइटी एंड जेके न्यूज़ नेटवर्क, मैं विक्रम गुप्ता कैलाश बंडराल जी को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दे रहे हैं। थैंक यू भैया। दोस्तों अभी आपने कैलाश बंडराल जी से सुना कि समाज का नज़रिया कैसा है। दोस्तों समाज को इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। अगर कैलाश बंडराल जैसे बच्चे सोलो डांस परफॉर्मेंस में फर्स्ट प्राइज़ ला रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए, तो क्यों ना बाकी बच्चों को भी आगे किया जाए। चाइल्ड विद अ स्पेशल नीड्स जितने भी बच्चे हैं उनको आगे कीजिए। स्कूल वालों से भी रिक्वेस्ट होगी और घर वालों से भी हम सबकी यही रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ाइए अपने बच्चों को। जो ऐसे स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाइए, इंकरेज कीजिए ताकि वो लोग भी इनकी तरह एक एग्जाम्पल बन सके। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। देखते रहिए जेके न्यूज़ नेटवर्क।